क्या एक पर्सन जो कि जेल में है वो इलेक्शंस में अपना वोट दे सकता है? इलेक्शंस का टाइम है एंड 19 अप्रैल से वोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू वोट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 राइट टू वोट के बारे में बात करता है एंड इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कि 18 या फिर 18 से प्लस एज का है और उसे किसी भी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है वो इलेक्शंस में अपना वोट दे सकता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है वो इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कि जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, चाहे वो क्रिमिनल है चाहे कोई अंडर ट्रायल पर्सन है। अंडर ट्रायल पर्सन मतलब कि जिसके ऊपर मुकदमा अभी चल रहा है और उसका इनोसेंस और गिल्ट अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, वो भी इलेक्शंस में वोट नहीं दे सकता। एंड इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बेल लेकर बाहर आया हुआ है तो उस दौरान वो अपना वोट दे सकता है, लेकिन अगर इलेक्शंस वाले दिन वो जेल में है तो वो अपना वोट नहीं दे सकता, चाहे उसे जेल जो है वो एक दिन की हुई है, चाहे एक महीने की हुई है, दो महीने की, छह महीने की, या फिर उम्र कैद ही क्यों ना हुई हो। सो इस चीज को लेकर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 62 क्लॉज 5 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस भी फाइल हुई थी। पिटीशनर्स का कहना है कि ये जो सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार की बात करता है। इस सेक्शन में पिटीशनर ने कहा कि कोई भी किसी भी बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं की गई है, नेचर ऑफ क्राइम क्या किया है पर्सन ने, उसे कितने साल की सजा मिली है। हमें भी ऐसी कुछ क्लासिफिकेशन करनी चाहिए जैसे कि बाकी देशों ने, यूएसए जर्मनी ने क्लासिफिकेशन की हुई है देखते हुए कि क्राइम किस तरह का किया है और उसे कितनी सजा मिली है। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो अंडर ट्रायल पर्संस हैं और जो सिविल मैटर्स में जेल गए हैं उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए और जिन्होंने सीरियस क्राइम किए हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी कंसर्न जताते हुए इस केस को सेट असाइड कर दिया और कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 62 बिल्कुल सही है एंड एज अ कंक्लूजन प्रिजनर्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, प्रिजनर्स वोट तो नहीं दे सकते लेकिन प्रिजनर्स इलेक्शंस में लड़ जरूर सकते हैं, इलेक्शंस में खड़े जरूर हो सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कैंडिडेट को 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए जेल की सजा हुई है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शंस में और ये डिस्क्वालिफिकेशन अगले 6 सालों के लिए वैलिड होगी, मतलब कि अगले 6 सालों के लिए वो कोई भी इलेक्शंस नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को 2 से कम सालों की सजा हुई है तो वो पहले की तरह ही एलिजिबल होगा इलेक्शंस लड़ने के लिए, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो करंटली आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की एग्जांपल ले सकते हो, ईडी ने उन्हें दिल्ली लीकर पॉलिसी के केस में अरेस्ट कर रखा है एंड इस बार अगर उन्हें तब तक बेल नहीं मिलेगी तो इस बार वो जेल से ही इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। अगर हम देखें एक डेटा के अनुसार जो इंडिया के एमपी एमएलएज हैं उनके अगेंस्ट 5000 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हैं लेकिन फिर भी उन्हें इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। एक क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद भी वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं एंड कई बार इलेक्शंस जीत भी जाते हैं। सो अगर हम इस चीज को समझें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में राइट टू इलेक्शन को, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है राइट टू वोट के अगेंस्ट। जो हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं अगर उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस भी हैं तब भी उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का मौका दिया जाता है। लेकिन जो इनोसेंट हो सकते हैं पर्सन जो अंडर ट्रायल है उन्हें वोट देने का मौका नहीं दिया जाता। आपके अकॉर्डिंग क्या ये चीज सही है कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं वो इलेक्शंस में खड़ा होकर हमें रिप्रेजेंट करे? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।